दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करेंगे ओफो F5 का और वीवो V7 प्लस का। और दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों मोबाइल फोन में से बेस्ट कौन सा मोबाइल फोन रहेगा। प्लीज दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर राठी आपका स्वागत करता हूँ फालतू टेक चैनल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दोस्तों आपने हमारा और आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल फोन के प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों ओफो F5 और वीवो V7 प्लस के हमें प्राइस क्या मिल जाते हैं। दोस्तों ओफो F5 के प्राइस हमें 19,990 रुपये मिल जाएंगे 4GB रैम वाले वेरिएंट्स के, और दोस्तों वीवो V7 प्लस के प्राइस हमें 21,990 रुपये मिल जाते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो दोस्तों ओफो F5 में हमें 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन होगा 2160x1080 पिक्सल, जिस पर हमें 2.5D कोड ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, जिसका एस्पेक्ट रेशो होगा 18:9। जी हाँ दोस्तों, ओफो F5 में हमें बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वीवो V7 प्लस की बात करते हैं, इसमें हमें 5.99 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1440x720 पिक्सल्स, जिसका एस्पेक्ट रेशो होगा 18:9, और इस पर भी हमें 2.5D का कर्व ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो ओफो F5 में हमें MediaTek MT6760 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन में हमें 4GB रैम और 32GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों 24,990 रुपये के प्राइस में 6GB और 64GB स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल फोन में अच्छी बात यह है कि इसमें हमें SD कार्ड का स्लॉट अलग से देखने को मिल जाता है, जिसके स्टोरेज को दोस्तों हम माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक आसानी से बढ़ा सकती है। वीवो V7 प्लस के प्रोसेसर की बात करें तो मोबाइल फोन में हमें ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फोन में हमें 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज मिल जाएगा। दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें SD कार्ड का स्लॉट अलग से देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब कैमरे की बात करते हैं। ओफो F5 में हमें रियर कैमरा 16 MP का देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर होगा F1.8 विद LED फ्लैश के साथ। वहीं दोस्तों वीवो V7 प्लस में भी हमें 16 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश के साथ, जिसका अपर्चर होगा F2.0। दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन के रियर कैमरे से हम बहुत ही अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन के रियर कैमरे सेम है। अब दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा किस मोबाइल फोन का अच्छा है। दोस्तों ओफो F5 में हमें 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसका फीचर होगा F2.0। वहीं दोस्तों वीवो V7 प्लस में हमें 24 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश के साथ, जिसका फीचर होगा F2.0, जिससे दोस्तों हम फुल HD में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से वीवो V7 प्लस का कैमरा ओप्पो F5 से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें 24 MP का क्लियर है सेल्फी वाला मोबाइल कैमरा देखने को मिल जाता है। अब कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ओफो F5 भी हमें डुअल सिम देखने को मिल जाता है, 4G वोल्टी ब्लूटूथ वाईफाई NFC 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक मिल जाएगा। दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें सभी तरह के बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं, और दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें बेजलेस डिस्प्ले दी गई है, इसलिए मोबाइल फोन में हमें बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो मोबाइल फोन के बैक साइड में बीच में दिया गया है। वहीं दोस्तों वीवो V7 प्लस के कनेक्टिविटी की बात करें तो मोबाइल फोन डुअल सिम होगा, 4G वोल्ट को सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ मिल जाएगी, वाईफाई NFC 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक भी मिल जाते हैं। और दोस्तों इस मोबाइल फोन में भी हमें सभी तरह के बेसिक सेंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों इस मोबाइल फोन में भी हमें बेजलेस डिस्प्ले होने के कारण फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में ही देखने को मिल जाएगा, जो मोबाइल फोन के बैक साइड में बीच में दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए दोस्तों ओफो F5 में हमें 7.1 नोगट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाएगा, और वीवो V7 प्लस में भी हमें 7.1 नोगट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों ओफो F5 में हमें 3200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और वीवो V7 प्लस में हमें 3225 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों वीवो V7 प्लस की बैटरी ओफो F5 की बैटरी से थोड़ी सी बढ़िया, लेकिन वीवो V7 प्लस की बैटरी ओफो F5 से बड़ी है। अब दोस्तों मोबाइल फोन की थिकनेस की बात करते हैं और वेट की बात करते हैं। ओफो F5 में हमें 7.5 mm की थिकनेस मिलेगी और वेट 152 ग्राम मिल जाता है। वीवो V7 प्लस में हमें 7.7 mm की थिकनेस मिलेगी और लगभग 160 ग्राम वजन मिल जाता है। दोस्तों थिकनेस और वेट में ओफो F5 मोबाइल फोन बाजी मार जाता है। ये थी दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों मैं इन दोनों मोबाइल फोन को लेकर अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ। दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन में से बेस्ट कौन सा मोबाइल रहेगा। प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों वीवो V7 प्लस इज द बेस्ट मोबाइल फोन है, और दोस्तों सेल्फी कैमरे के हिसाब से भी दोस्तों वीवो V7 प्लस ही बेस्ट है, और बैटरी के हिसाब से भी दोस्तों वीवो V7 प्लस ही बेस्ट है। हालांकि दोस्तों इन दोनों मोबाइल फोन की कंपेयर वीडियो में आज की इस वीडियो में वीवो V7 ही अच्छा मोबाइल फोन है। आप दोस्तों इस मोबाइल फोन को 21,990 रुपये में आसानी से खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों ओफो F5 मोबाइल फोन भी बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप सेल्फी के शौकीन हो तो आप 24 मेगापिक्सल के कैमरे से वीवो V7 लेकर सेल्फीज ले सकते हैं।
ये थी दोस्तों मेरे ओपिनियंस। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को लेकर नीचे कमेंट भी जरूर करें। और दोस्तों आपके लिए मैं ऐसी आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँगा।